दोस्तों ए डबल ई एस की तरफ से यहाँ पर टी जी टी पी जी टी पी आर टी और कई सारे पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आवेदन कर पाएंगे क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पर जॉब लेने का तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पद कौन कौन से है तो देखिए यहाँ पर पी जी टी की वैकेंसी है अभी विषय में मैं आपको बताऊंगा टीजीटी की वैकेंसी है पीआरटी या प्रिपेडरी टीचर की वैकेंसी है साथ में यहाँ पर पेमेंट भी बता दिया गया है कि पीजीटी के लिए सत्ताईस हज़ार पाँच सौ रुपये पर मंथ मिलेगा और टीजीटी के लिए छब्बीस हज़ार दो सौ पचास रुपये पर मंथ मिलेगा और पीआरटी के लिए इक्कीस हज़ार दो सौ पर मंथ आपको मिलेगा अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो पी में सभी विषयों की वैकेंसी और टी में भी सभी विषयों की वैकेंसी है तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि पी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 50 परसेंट नंबर के साथ और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बी की भी ज़रूरत पड़ेगी बी भी मांगा गया है और डिजायरेबल में अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या इंग्लिश मीडियम में प्रोफेसेंसी है तो अच्छी बात है ये कंपलसरी नहीं है ठीक है यह सिंपल सा पीजी और बीएड आपके पास होना चाहिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए पीजीटी इंग्लिश पीजीटी हिंदी पीजीटी मराठी पीजीटी मैथमेटिक्स फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स कॉमर्स और इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इन विषयों की यहाँ पर भर्तियाँ हैं साथ में यहाँ पर किस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए इसको भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका पीजी है तो आप संबंधित विषय के लिए एलिजिबल हैं इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी टीचर्स के बारे में तो टीजीटी के लिए भी यहाँ पर देखिए वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी संस्कृत मराठी मैथमेटिक्स फ़िजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस टीजीटी आर्ट टी PT यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर इनकी भर्तियाँ तो यहाँ पर जो बोला गया है संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीएड और सी की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है बैचलर्स डिग्री आपने किया हुआ है संबंधित विषय से पचास परसेंट नंबर के साथ और बी एड है और, और सी टेड क्वालिफाई है तो यहाँ पर देखो आप आवेदन कर सकते हैं टी के लिए आपका सी जो है पेपर टू वाला क्वालिफाई होना चाहिए ठीक है अगर जिन कैंडिडेट्स का अभी बी का रिजल्ट नहीं आया हुआ है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं लेकिन हाँ जब आप यहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में उस टाइम आपके पास जो है मार्क्सिट आनी चाहिए जो अभ्यर्थी पी में या उनके लिए देखिए पी जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो उनका भी यहाँ पर बोला गया है आपका मतलब बैचलर्स डिग्री होना चाहिए साथ ही साथ आपका सी और बी भी होना चाहिए यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो अभ्यर्थी डी हैं या बी एल हैं ठीक है वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इसी तरीके से प्रेपरे टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी जिसको आप एन बोलते हैं तो एन वाले इसके लिए आप दे सकते हैं अब यहाँ पर देखिए एन के लिए बोला गया है कि आपका जो है सीटेड पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए पी में पेपर वन क्वालीफाई होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर नीचे बताया गया कि जो भी अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं उनको पाँच साल की यहाँ पर छूट रहेगी एस सी अभ्यर्थियों के लिए ओ के लिए नॉन लेयर के तीन साल की जितने भी वोमेंस हैं उनके लिए यहाँ पर दस साल की छूट रहेगी और फिजिकल इंडिकेअपे के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम हैं उनके अंतर्गत छूट मिलेगी अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट की तो यहाँ पर देखो पीजीटी के लिए मैक्सिमम चालीस वर्ष है टीजी के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष है और पीआरटी या प्रपेटरी टीचर के लिए तीस वर्ष यहाँ पर है जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं के वी एस एन वी एस या ए डबल ई एस से या गवर्नमेंट स्कूल से उनके लिए वेज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है तो ए डबल ई एस अनुशक्ति नगर मुंबई से वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भर्तियाँ हो रही हैं हालांकि रेगुलर वैकेंसीज़ भी यहाँ पर मेंशन है तो आप लोग देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की मेन वैकेंसी यहाँ पर है पेमेंट कितना मिलेगा तो पेमेंट आपका इतना मिलेगा जो जॉब वगैरह लगेगी वहीं पर लगेगी अब यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सारा कुछ मैंसन किया गया है देखिए ये यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेक्शन होगा बेसिकली आपका सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होने हो के बाद स्किल टेस्ट होगा स्किल टेस्ट में शायद वो डेमो टीचिंग करवाएंगे और इंटरव्यू करवाएंगे ठीक है तो बोला गया रिटर्न टेस्ट जो होगा इसमें आपका पचास नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा ठीक है एम सी क्यू आपसे पूछे जाएंगे आपके संबंधित विषय पर ही पूछे जाएंगे जैसे सपोज तो अगर आप टी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो टी जी टी हिंदी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेढ़ घंटे का आपको टाइम मिलेगा नब्बे मिनट का और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम है फिफ्टी परसेंट है ठीक है पचास में से कम से कम पच्चीस नंबर लाना आपको जरूरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए पैंतालीस परसेंट रहेगा जो अब व्यर्थी रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर सेंटर बनाए सॉरी ये रिटर्न टेस्ट के लिए सेंटर बनाएगा देखिए यहाँ पर रिटर्न टेस्ट आपके स्टार्ट है उन्नीस मार्च से लेकर के आई थिंक 19 मार्च को ही सभी का रिटर्न टेस्ट है बस सेंटर अलग अलग हैं तो जैसे जैसे सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा वहीं पर आपको जाना होगा रिटर्न टेस्ट आपका जो रिजल्ट है ये बताया जा रहा है कि 23 मार्च को जारी कर दिया जाएगा आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट है ठीक है और रिटर्न टेस्ट में ही आपका मेंशन होगा कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा उसमें सारा कुछ मेंशन होगा और जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये आपका बताया गया चौबीस मार्च दो को होगा ना कि हम स्प्रिंट है दो हज़ार तेईस है चौबीस मार्च को आपका स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पर बताया गया कि देखिए फॉर्म कैसे भरना तो बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट अप्लीकेशन फार्म जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी एज अपली क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ठीक है ई मेल आई मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ये आपको कहाँ देना है पहले से फॉर्म नहीं भरना है जब आप रिटर्न टेस्ट देने जाएंगे उसी दिन आपको सबमिट करनी है जिस विद्यालय में आपका रिटर्न टेस्ट जहाँ पर जाना है ठीक है अब कैसे पता लगे कहाँ पर जाना है तो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया सपोज करो आपको पीजीटी मैथ्स का के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पी मैथ्स वाले में देखिए आपको इस विद्यालय में जाना है ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपकी टाइमिंग रहेगी यहाँ पर तो जिस विषय से आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसी आपको कॉलेज में संबंधित कॉलेज में कॉलेज के नाम दिएगा यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी वहीं पर आपको फॉर्म भरना होगा वहीं पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने रहेंगे ठीक है और इसमें बताया गया है कि जो आपका ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक अप्रैल को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए और जो अभ्यर्थी के वी एस एन वी एस या ए डबल एस से रिटायर्ड है उनके लिए सीडियो कंपलसरी नहीं है कोई भी टी ए डी आपको देना नहीं होगा तो आप देख लीजिए अगर आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हैं बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है ये यहाँ पर मेंशन की गई है इस वेबसाइट पर जा करके आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं